प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस द्वारा निकाले गए पैदल मार्च को लेकर डिजाना न्यूज ने प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लाया जा रहा है वह इस देश को बांटने का काम करेगा और यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। कांग्रेस के पैदल मार्च पर देखिए ये खास बातचीत। एक मिनट। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी देख रहे हैं आप उत्साह के साथ में यहाँ पर शांति मार्च कर रहे हैं। सर, आप जो शांति मार्च कर रहे हैं क्या वजह है? देखिए, इस भारत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो घिनौना षड्यंत्र करा है NRC का और CA का कानून लाके, ये धर्म और मजहब को बांटने का काला कानून, पूरा देश आग में झुलस रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का कहना है, मध्य प्रदेश वासियों मैं शांति मार्च निकाल रहा हूँ, मेरे मध्य प्रदेश में कहीं कुछ नहीं होगा, आप शांतिपूर्वक रहो, इस काले कानून को मैं अपने मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने दूंगा, आप महफूज हैं और महफूज रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है भविष्य खतरे में है, कैसे खतरे में है? देखिए, ये घिनौना षड्यंत्र जो अंग्रेजों ने किया था आज़ादी के पहले, ये काले अंग्रेज कर रहे हैं हिंदू मुसलमान को धर्म मजहब को बांटने का। 6-6, 7-7 राज्य हार गए हैं, इस हार का गम भुला नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह का काला कानून ला रहे हैं। तो इस कानून को काला कानून बताया जा रहा है और इसका विरोध करने का जो सिलसिला है वो आप देख सकते हैं। मंत्री तुलसी सिलावट भी शांति मार्च में हैं। सर, आप शांति मार्च निकालने के लिए आए, क्या विरोध है? आप जानते हैं जो हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बना था, उस संविधान की भावनाओं को संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, उसके विरोध में ये शांति मार्च है। सर, BJP बार बार कह रही है कि किसी को खतरा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब देश की सबसे बड़ी अदालत प्रजातंत्र की लोकसभा के अंदर जब देश के गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था वो देख लो, तो फिर आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल, ये थे तुलसी सिलावट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ BJP कह रही है वो सरासर गलत है। सराज, शांति मार्च आपने निकाला है, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, देश में कुछ ताकतें हमारे देश को बांटने का काम कर रही है, बांटने का प्रयास कर रही है, और हमारा जो संविधान है उस संविधान से हट करके जो है देश को चलाने का प्रयास और कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसी ताकतों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए हमसे और हमारी पार्टी से जो भी संभव होगा वो हम करने का काम करेंगे। आपकी पार्टी को किस तरह का खतरा लग रहा है? देखिए, इसके पीछे जो इनका उद्देश्य है, इसके पीछे जो इनका मकसद है, उस मकसद को लेकर के कांग्रेस पार्टी चिंतित है। जिस प्रकार से ये जो धर्म के नाम पर जो है देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतित है। तो बिल्कुल, धर्म के नाम पर जिस तरह से देश को बांटने के आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतित नजर आ रही है। चलो बोलो, बोलिए। सर, आप जो विरोध कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है? पूरा देश विरोध कर रहा है, सारा देश चाहता है अमन चैन से देश में लोग रहें, संविधान की सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा हो, इसलिए आम आदमी के साथ कांग्रेस पार्टी भी ताकत से खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शांति मार्च मध्य प्रदेश की जनता के साथ निकाला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ही नहीं, भोपाल की आम जनता जनार्दन भी कांग्रेस के मंत्रीगणों के साथ, विधायकों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरी है, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के चारों तरफ अलग अलग राज्यों में ही इस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और जब जब आम जनता जनार्दन सड़कों पे गलत कानून की वजह से उद्वेलित होकर उतरती है, कांग्रेस का इतिहास है देश की आज़ादी से लेके अभी तक, जब जब अन्याय जनता के साथ हुआ, जब जब जाए भय पैदा करने की आम जनता जनार्दन के साथ गलत कानून पेश करके जो है कोशिश की गई, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता जनार्दन के साथ खड़ी हुई है, और उसी का परिणाम आज आपने भोपाल में देखा है। ये केवल कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है, देश की एकता अखंडता और देश के संविधान की सुरक्षा का सवाल है, और जब एकता अखंडता और सुरक्षा का सवाल आ जाए तो कांग्रेस हमेशा साथ रही है, आज भी है और कल भी रहेगी। मुख्यमंत्री तरुण भनोट जी हमारे साथ में। सर, आज जिस तरह का शांति मार्च निकाला गया है, मध्य प्रदेश देश को किस तरह का संदेश दे रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री माननीय नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में शांति मार्च निकला है, और कांग्रेस के तो उसूल यही हैं, सिद्धांत यही हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का गठन भी हुआ था, भारत की आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर आज ऐसा कोई काला कानून बन रहा है जिससे हमारा संविधान खतरे में आता है, तो हमारा वापस से वे फर्ज बनता है, कर्म बनता है और धर्म बनता है कि हम ऐसे काले कानून को आने से देश में रोकें। आप विरोध कर रहे हैं, BJP जन जागरण निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी हर विफल मोर्चे पर विफल हो चुकी है। आज नौजवानों के सामने रोजगार का संकट है, आर्थिक संकट का सामना पूरा हिंदुस्तान कर रहा है,
हमारे किसानों की स्थिति खराब है और ऐसे सारे तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक ये नया फॉर्मूला लोगों को बांटने का जो भाजपा लाई है इसमें हम इनको सफल नहीं होंगे। आखिरी सवाल यह है कि इस बात को भी कहा जा रहा है कि किसी भी कौम को खतरा नहीं है। खतरा कैसे हो सकता है जब तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है? तो ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सब यहाँ रहते हैं और मिलजुल कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सभी का देश है, सभी जाति सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते आए हैं और रहते रहेंगे। संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधु हमारे साथ हैं। मैम आप विरोध क्यों कर रही हैं? आप क्यों विरोध कर रही हैं? संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। देखिए संविधानिक अव्यवस्थाएं जो की है हमारे देश के पूर्वजों ने बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके साथ ये कदम कदम पर छेड़छाड़ कर रहे हैं कि जो कि उचित नहीं है। ये देश विभिन्न धर्मों विभिन्न जातियों का देश है। बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। ये बिल्कुल ये जुमलेबाजी की सरकार है कि ये कहती कुछ है करती कुछ है, जो कि हम लोग इस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और झारखंड का ताजा उदाहरण इस बात का सबूत है कि लोग इनको जानने और समझने लगे हैं। आपको लगता है अल्पसंख्यक साथ भेदभाव हो रहा है? मैंने कहा ना, जात में सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारे से रह रहे थे और जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसमें विवाद की स्थितियां पैदा हो रही हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश में डिवाइड एंड रूल का काम किया वही आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जिस तरह से काम किया था वही ये सरकार कर रही, जिस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है। कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम हमारे साथ में, सर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए भारत अखंड भारत कायम रहे, धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान मजबूत बना रहे और प्रत्येक नागरिक इस देश के जो भी अगर हमारे सरकार से कहीं पर बात करते हैं तो उनकी बात सुनी जाए। आज देश के अंदर मोदी जी सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है? इस कानून से आपको क्या आपत्ति है? देखिए हमारा सीधा कहना है कि इस देश के नागरिकों की बात सुने। कांग्रेस इस देश के प्रत्येक नागरिकों के साथ खड़ी है और मोदी जी सिर्फ बीजेपी के प्रधान